तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी यहाँ पे मैं आज का व्लॉग चालू कर रहा हूँ यहाँ से, और अभी नीचे मैं क्या काम कर रहे हैं मैं आप लोग को बताऊँगा। तो वैसे आज का व्लॉग मैंने शुरू किया, तो आप लोग बताना आप लोग कैसे लगेगा, और अभी मैं देखूँगा आप लोग को बताऊँगा कि नीचे मैं क्या काम कर रहे। तो चलिए फिर देखते हैं। अम्मी अम्मी हाँ। क्या कर रहे तुम यहाँ पे? नहीं तुम बताओ ना। अच्छा देखो तो सही, इधर मम्मी देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वीडियो बना रहे हैं। हाँ देखो दोनों इधर पे बैठ के काम कर रहे। ले बोलो क्या कर रहे तो बताओ। बोलना तो था पापा। इसको देखो, इसको कितनी शरीफ है बेचारी, रोजा लग रहा है इसको। सॉरी क्या बोल रही है? लग रहा है। ए, देखो बेचारे का चेहरा देखो आप लोग, बेचारे को लोजा लग रहा है। और अम्मी तुम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे? मैं बनाने जा रही हूँ पालक। यहाँ पे बहुत सारी पालक है, और यहाँ पे झाड़े तो नहीं करते नहीं। मैं बनाने जा रही हूँ पालक आलू की सब्जी यानी कि भाजी और मसूर की दाल। सिंपल खाना बनाऊंगी क्योंकि मैंने परसों बनाई थी कीमा और कल बनाई थी चिकन। तो अभी तो फिलहाल हम लोग मतलब अभी मूड नहीं है खाने का, तो मम्मी चलो सिंपल आज मैं यही बना रही हूँ, तो बस मैं यही बना देती हूँ। और मैंने यहाँ पे अभी चावल पका ली हूँ, दाल उबलने के लिए छोड़ दी यानी कि हो गया है, उसको घोल आने के लिए छोड़ दी हूँ, फिर मैं तड़का लगा दूँगी। और यहाँ पे हमने ला बता दी इधर भी। हाँ बताओ क्या बोल रहे। हाँ ये देखो, ये है पालक का जो मैंने काट के रखे सामग्री। हाँ जो मैंने पालक आलू बनाऊंगी उसका मटेरियल काटी हूँ। और यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी अफ्तारी में पनीर पकौड़े। बताएंगे ना? हाँ ओके। इधर तो बता पनीर पकौड़े पालक, और यहाँ पे मैंने थोड़े से पालक के पत्ते ले ली। नहीं नहीं तो मैंने ले ली थी ना। अरे तो आलू छुपा था, दिख रहा है नहीं था पालक में। तो बता दे, ये लो ये मैंने थोड़ी सी पालक ले ली, ज्यादा नहीं थोड़ी सी ली। और यहाँ पे एक आलू, सिर्फ एक आलू मैंने कट करके रखी है क्योंकि ज्यादा लोग नहीं खा पा रहे आजकल, सिर्फ अफ्तारी में फ्रूट खा रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ कि बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए, सब रोज़ा रहते हैं तो रोजे में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यही तीन चीज़ बनाऊँगी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद तो मेरे से नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि अभी दोपहर में तो जितना हो सकता मैं पढ़ लेती हूँ, सुबह मेरा खुद का घर का काम रहता है करने का, फिर उसके बाद पढ़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद अभी खाना बना लूँगी, फिर अफ्तारी बनाऊँगी, उसके बाद मुझसे काम नहीं होगा, फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ। तो इसके लिए मैं एक साथ सब कर लूँ। तो चलिए पहले वे कर लेती हूँ और फिर अफ्तारी के टाइम पे आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। अभी काफ़ी टाइम है, देखो मेरा सैफ देख रहा है ऊपर से। देखो 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 जैसे नेटली हाथ तो देखा है तो कर तो उसको लगा ना पैर पे, इसके लिए नीचे नहीं आ सकता। हाँ तो मैं बता दूंगी ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट करती हूँ। यहाँ पे ना सोयल ने ले आया है, ये जैसे कि ये पाइनएप्पल ले आया है, और कड़िंगड़ रखा था, और क्या था खरबूजा, खरबूजा ना हाँ ये रखा था। और सेब सेब है, तो ये तीन चार फ्रूट है अभी, तो अभी कुछ नहीं मंगाऊंगी। और ये थोड़ा सा लगड़ा मंगा ली हूँ क्योंकि ये मेरा शाहिद और मेरा शाहरुख बहुत शौक से खाते हैं। मैं घर में बना लेती हूँ, मगर लोगों ने तब कहा अभी हम दोनों के लिए तुम बनाएंगे, इससे अच्छा थोड़ा बाहर से मंगा लेते। मैं 10-10 रुपये का मंगा लेती हूँ, बहुत हो जाता है और सबके खाने के बाद भी बचता है। तो चलिए फिर मैं फटाफट अभी बना लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और यहाँ देखिए मेरी बिल्ली बैठी है, देखो ये कितनी क्यूट है, इधर पे देख डिंपल। नाम क्या मम्मी इसका? अम्मी इसका नाम क्या रखे तुम लोगों ने? ऐसा बता जरा तो देखिए भी, उसका कोई नाम वाम नहीं है, ये हम लोग जब से आए हैं ये घर में, तो ये घर में वो पहले से रहती थी, तो बस वो अभी आती है हमारे घर में, एकदम क्लोज ले रहा है वो। तो ये सो रही है, हम लोग की ढाकी पे सो गई है। तो ये आई थी ना जब मम्मी ने इसको दूध दिए थे, तो दूध पी के सो गई है, तो उसको सोने देते हैं। और यहाँ पे मम्मी क्या काम कर रहे हैं वो अपन देखते हैं।
चलिए फिर चालू। क्या मम्मी तो दाल ये दाल खोल रही है और यहाँ मैंने चावल जैसे आप लोग को बताई मैंने चावल बना लिए। आप देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म अभी चावल तैयार हुआ है, बस उसी को मैं देखने आई थी। तो चलिए मैं तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को अफ्तारी बताती हूँ। चलिए चला मम्मी, पहले पनीर के पकौड़े जाएंगे, उसके बाद कौन से बनाएंगे? उसके बाद बनाऊंगी बटाटे की। तो ये मैंने गाढ़ा गाढ़ा ली हूँ, बिस्मिल्लाह, ज़्यादा पतला नहीं ली हूँ मैंने। और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। मैं इसी तरह बनाती हूँ सिंपल सा, जैसे कि आप लोग को पता है जैसे हम बटाटे का बैटर तैयार करते हैं, बस इसी तरह मैं वही करती हूँ। सेम कि इसमें जैसे हमको पालक डालना है या फिर पनीर डालना है या फिर बटाटा डालना है तो वो अपनी मर्जी है जो भी डालो, बाकी बैटर मेरा वही रहता है, मैं ज़्यादा नहीं वो करती हूँ। और करने वाले बहुत कुछ करते हैं मगर मैं मेरे हिसाब से बनाती हूँ, वही मैं आप लोग को बताती हूँ और आप मेरे दाल पर ध्यान दे सकते हो। मेरा दो दिन से बहुत दाल दर्द हो रहा था जिसकी वजह से बहुत सूजन हो गई थी, आप लोग ये देख सकते हो। तो क्या कमी होता है वो तो रखना ही पड़ेगा ना। साल में हमारा एक बार आता है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब कुछ तकलीफ हो तो हम योगा छोड़ दें, ऐसा कोई बात नहीं। दवा तो हम बाद में भी खा लेंगे, ये तो अलहमदिल्ला ठीक हो जाएगा, मगर रोजे छूटने तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट ट्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। मैं यहाँ देखो, यहाँ पे बटाटे की भजिया बना रहे, देख सकते कितने बड़े बड़े बटाटे। और यहाँ पे देखो मम्मी, बस ये मैंने एक ही बटाटा ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते ना अभी, वो लोग को मतलब ऐसा है कि फ्रूट से ही पेट भर जाएगा और अगर ये खा लेना तो खाना बिल्कुल नहीं खाते, इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही बटाटा ली हूँ और माशाल्लाह बहुत बन जाता है, उसमें भी बरकत हो जाती है। और यहाँ पे एक कढ़ाई में कितना डालते हैं मैं तुम बता रहे अंदाजा? यहाँ पे पाँच